हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं पंजाब मेरे भी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज्ज गल करांगे अलकट्राज जेल की स्टोरी बारे, जो कि एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी है तो असली कहानी पर है बिल्कुल फिल्मी, बाकी थोड़ा सुन के पता लग ही जाएगा। सो अगे वधण तों पहला वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ। सो ये कहानी नूं आखिर तक सुनियो क्योंकि यह एक अजिही जेल सी जिस विचों भज्जना सब तो औखा सी। इह कहानी दे आले दुआले कुछ रहस्य भी ने। असीं गल कर रहे हैं अलकट्राज। यह जेल अमेरिका शहर के सैन फ्रांसिस्को तो 2 किलोमीटर दूर समुद्र के पानी विचकार मौजूद एक 22 एकड़ के टापू से बनी हुई है। इस जेल नूं साल 1910 विच बनाया गया सी। उस समय इस जेल का इस्तेमाल US आर्मी करती सी, पर 1933 विच US आर्मी ने इस जेल नूं छड़ दिता। तो फिर 11 अगस्त 1934 नूं अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस नूं प्रिजन घोषित कर दिता। यह जेल नूं इस करके बनाया गया सी कि इत्थे खतरनाक कैदियों नूं ते खास करके वह जो पहला जेल तोड़ के भज चुके ने जां जिन्हां ने पहला जेल तोड़न की कोशिश की उदा के बंद ज्यादातर इतने लिया जाता है। इस जेल विचों जे कोई भजन की कोशिश करता तो मारिया जाता, इतों तक कि गार्ड न भी खुली छुट्टी सी कि जे कोई भजदा दिखे तो गोली मार दौ। जे कोई सब तो बचता होया जेल विचों निकल भी गया तो बाहर समुद्र दिया उच्चिया लहर से ठंडे पानी न मर जाएगा। सो हुण साडी कहानी दे 4 मुख किरदार ने। फ्रैंकली मॉरिस जो बचपन तो ही थोड़ा अपराधी दिमाग वाला सी, इसने 13 साल की उम्र विच ही अपना पहला अपराध किया सी। फ्रैंक नूं बैंक लुटण दे करके फड़ लिया गया सी ते फिर लुजियाना दी जेल विच भेज दिता ते उत्थों इह जेल तोड़ के भज गया। ते 1 साल बाद जदों पुलिस दे हत्थ आया तां इस नूं 20 जनवरी 1960 नूं अलकट्राज जेल विच भेज दिता। जेल विच फ्रैंक दी मुलाकात एलन वेस्ट जो कि पहलां तो ही जेल विच सी उस नाल हुई। एलन नूं कारां चोरी करन दे मामले विच फ्लोरिडा दी जेल विच भेजा गया सी जिथों इसने भज्जण दी कोशिश कीती ते जिस करके इस नूं 1957 विच अलकट्राज जेल विच भेज दिता। फ्रैंक एलन नूं पहलां तो ही जाणदा सी क्योंकि दोवें चोर सी किसी जेल विच कुछ समां इकट्ठे रहे सी। ते इस तों बाद 24 अक्टूबर 1960 नूं जॉन एंगलिन ते 10 जनवरी 1961 क्लेरेंस एंगलिन नाम दे 2 कैदी अलकट्राज जेल विच पहुंचदे ने। इह दोनों एंगलिन ब्रदर सके भरा सी ते हुण जदों इह चारों अलकट्राज जेल विच एक दूजे नूं मिले तां इहनां दा टाइम पास होण लग्गिया। हुण एंगलिन ब्रदर ते एलन दा सैल बी ब्लॉक विच सी ते फ्रैंक इहनां तों काफ़ी वख रहि रिहा सी। इस करके इह खाणे दे समें ही आपस विच मिलदे जिस करके सितंबर 1961 नूं फ्रैंक ने अपना सैल बी ब्लॉक विच कराउण दी अर्जी जेलर नूं दित्ती ते अर्जी मन लई गई ते उस नूं बी ब्लॉक विच एलन दे कोल वाले सैल विच भेज दिता ते हुण इह किसी भी टाइम आपस विच गल कर सकदे सी। उंज अलकट्राज जेल विच सारिआं नूं अलग-अलग सैल विच रख्या जांदा सी ते सारे कैदियों की दिन विच 13 वार गिणती की जाती सी, पर फिर भी कैदियों नूं कुछ सहूलतां देणियां जरूरी समझदे सी जिवें कि जे कोई पढ़ना चाहुंदा सी उहनां लई लाइब्रेरी है, जे कोई म्यूजिक सिखणा चाहुंदा सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸੋਟੀਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੈਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਨੂੰ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਲਨ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉੜਾ, ਤਾਂ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਚਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਤੇ 12 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਲਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਐਲਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਸੈੱਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਫਰੈਂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰੈਂਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਰੈਂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗਾਰਡ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਹਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਐਂਗਲਿਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਕ ਤੇ ਐਂਗਲਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
पहली बार अल्कट्राज जेल विच सैरन बजया, क्योंकि इस तो पहला उत्थों कोई भजया नहीं सी, पर कोशिश बहुत ने की। उत्थों अलग अलग समय अलग अलग ग्रुपा विच कत्ती कैदियों ने भजन की कोशिश की सी, पर कोई भी कामयाब नहीं होया। पर 1934 विच जेल खुलण तो बाद यह पहली बार होया कि कोई जेल तोड़ के भज गया ते किसी नू कन्नो कन खबर नहीं हुई। इस तो बाद एक खबर जेलर तक पहुंची तो उसने जेल दा ते पूरे टापू दा हर एक कोना देखना शुरू कर दिता, पर उत्थे कोई ना मिलिया। जदों एंगलिन ब्रदर ते फ्रैंक दे सैल नू देखा गया तो उत्थे गार्ड नू कंध विच एक बड़ा मोहरा दिखाया जिस विचों इंसान आराम नाल आर पार हो सकता सी। ते होर सैल फुलण ते एलन वेस्ट दे सैल विचों भी उस तरह का मोहरा लभ गया, जिस तो बाद एलन तो पुछगिछ करनी शुरू कर दिती। पहला तो एलन ने बहुत ना नुकर की, पर बाद विच जेलर ने कहा कि तेरी जेल तो भजन के मामले विच सजा माफ कर दिती जाएगी। सो हुण एलन फड़िया तो गया सी, इस करके उसने अपनी सज़ा माफ़ कराने लई पुलिस नूं सारी कहानी दसनी शुरू कर दिती कि जदों जनवरी 1960 विच फ्रैंक अल्कट्राज जेल विच आया उसने उदों तो ही तरकीब बनानी शुरू कर दिती सी कि इत्थों किवें भज्या जावे। ते इस दौरान उसकी मुलाकात एलन ते एंगलिन ब्रदर नाल हुई ते उसने ये तिन्ने अपने प्लैन विच शामिल कर ले। इस तो बाद यह जेल विचों भजन का तरीका लभण लगे। तीना ने अपने सैल विच देखिया कि उत्थे हवा आउण जाण लई एक इट जिन्ना रास्ता छड्या होया है जिस ते लोहे की जाली लगी हुई है, ते इन्हां ने इस नूं चौड़ा करन बारे सोचिया, जिस तो बाद इन्होंने जेल विचों चाकू ब्लेड चमचे चोरी करने शुरू किए ते जिन्हां दी मदद नाल इह हर रोज़ अपने सैल दीआं दीवारां नूं घरेड़न लग गए। इस दौरान आवाज़ भी हुंदी सी, पर इन्हां ने रास्ता लभ्या कि जदों रात दे समय जेल विच गाणा बजाउणा चलदा सी उस समय यह काम करिया जावे। उस समय एक दो घंटे यह दीवार नूं खरोद दे जिस नाल आवाज़ बाहर ना जांदी, ते हुण जे कोई गार्ड इन्हां दी दीवार विच कोई गड़बड़ देखदा तां इन्हां दा प्लैन फेल हो जांदा। इसलिए इन्हां ने कार्डबोर्ड गत्ते दी मदद नाल इस जगह नूं ढक दित्ता, क्योंकि गत्ते ते बिल्कुल कंध वाला रंग ला के उत्थे ढकण लई वरत लैंदे। इस तरह इन्हां ते किसे नूं शक नहीं होया ते 4 महीने बाद इन्हां चारां ने अपने सैल दे मोहरे नूं इन्ना बड़ा कर लिया कि उह आराम नाल इत्थों बाहर निकल सकदे। हुण उह अपने सैल विच बाहर भी आ जांदे ते पाइपां दी मदद नाल छत ते भी चले जांदे सी, पर सब तो वड्डी मुश्किल हुण अल्कट्राज जेल तो बाहर दा समुंदर सी। ते इस दे लई फ्रैंक मॉरिस दे कोल पहलां तों ही इक प्लैन सी। उह प्लैन सी कि उह रेनकोट दी मदद नाल इक किश्ती बनावेगा ते उस विच फिर हवा भर के उत्थों बाहर निकल जाएगी। यह किश्ती बनाने का आइडिया उसनू लाइब्रेरी विच्चों आया सी। इस करके कहा जाता है कि बुकां पढ़निया चाहीदियां ने, थानू इदां दे माड़ी आइडिया नहीं सगों होर चंगे आइडिया थोड़े काम लई मिल जाएंगे। उत्थे इसने पापूलर मकैनिक नाम की एक बुक पढ़ी सी जिस विच दस्या गया सी कि किवें रेनकोट की मदद नाल एक किश्ती ते लाइफ जैकेट बनाई जा सकती है। जिस तो बाद उन्होंने जेल विच्चों 50 तो वध रेनकोट चोरी किए ते हुण उन्होंने सामने मुश्किल यह सी कि वह इन रेनकोट्स नूं कित्थे रखणगे ते कित्थे इन्हां दी किश्ती बनाउण ते फिर उन्होंने अपने ब्लॉक विच ही उत्ते जो खाली जगह सी उत्थे यह काम करन बारे सोचिया, पर उत्थे बिल्कुल सामने एक गार्ड पहरा दिंदा सी। सो फिर इसका हल लभ्या गया जो असी तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि एलन दे सफाई करदे समें धूड़ मिट्टी थल्ले बहुत आउंदी सी, सो उह जाण बुझ के सुट्टी गई सी तां कि उत्थे पर्दा लगाया जा सके। जदों वह परदा उत्थे लग गया तो उस परदे दे ओले वह अपना काम करते सी, पर हुण वह उपर जांदे किवें सी क्योंकि 24 घंटे उन्हां दे सामने गार्ड पहरा दिंदे रहिंदे सी ते जे कोई सैल विच ना हुंदा तां सारे फड़े जांदे। तां उन्हां ने अपना दिमाग लगाया ते साबण टुथपेस्ट टॉयलेट पेपर ते मिट्टी नूं जोड़ के 4 नकली सिर बनाए ते उन्हां दी शकल थोड़ी मिलदी जुलदी जी बना के जेल विचों पेंटिंग करन वाले कैदियां तों स्किन कलर दा पेंट लैके उन्हां उत्ते मार दिता ते हुण उन्हां पुतलियां उत्ते बाल भी लगाउणे सी। क्लैरेंस एंगलिन कैदियों के बाल कटने का काम करता सी, उसने असली बालों का इंतजाम कर दिता ते जिस तो बाद बाल पुतलियां उत्ते चिपका दिते ते हुण जदों रात नूं सारे सुते हुंदे तां एंगलिन ब्रदर ते एलन वेस्ट उस पुतले नूं अपने बैड ते रख के रजाई दे थले तौलीए ते सराणे नाल बॉडी शेप बना दिंदे ते सिर नूं नंगा रखदे तां कि किसे नूं शक ना होवे। ते इस तरह फिर इह गैलरी दे उत्ते गए ते रेनकोट दी मदद नाल उस नूं सिउं के 4 लाइफ जैकट ते 6x14 फुट दी एक किश्ती तैयार कर ली ते फिर एक पाइप नूं गर्म करके उस दे जोड़ सील कर दित्ते तां कि हवा कितों लीक ना हो सके ते जेल विच्चों लकड़ियां चुक के 4 चप्पू भी बना ले ते उन्होंने छत ते लगे वेंटीलेशन दे नट एक एक करके पहला ही ढिले करके रखे हुए सी। ते ए सारे प्लैन नूं समा किन्ना लग्या, उन्होंने दसंबर 1961 विच ए सारा कुछ करना शुरू कीता सी ते जून 1962 विच ए प्लैन पूरा हो गया। इस विच 6 तों 7 महीने विच उन्होंने पुतले बनाए, सुरंग बनाई, किश्ती बनाई ते होर बहुत कुछ कीता ते हुण 11 जून 1962 सोमवार की रात नूं जदों कैदियों की आखिरी गिणती तो बाद
बाद 9:30 बजे ज़्यादातर लाइटां जदों बंद हुईयां तां सब तो पहला इन्हां ने अपने पुतले बैड ते रखे ते कंध वाले रास्ते तो पिछे गैलरी विच पहुँच गए। पर जित्थों इह आउंदे जांदे सी एलन बेस्ट ने अपने उस कमरे की जगह नूं बंद करन लई थोड़ा समेंट ज़्यादा वरत लिया ते उस समेंट हुण सख्त हो गया सी। बाहर तो एंगलिन ब्रदर भी उसकी मदद कर रहा सी पर वह हट नहीं रहा सी। ते उन्होंने एलन नूं कहा कि हजे वह होर तैयारी करते हैं, उदों तक तू खिड़की नूं हटा के उत्ते आ जा। ते फिर उधर फ्रैंक ते एंगलिन ब्रदर वेंटीलेशन हटा के छत ते चले गए ते एलन दा वेट करन लगे। ते जदों एलन नूं आउण लई काफ़ी देर हो गई तां इन्होंने तिन्नां ने जाण दा फैसला लिया ते इह 50 फुट पाइप थले उतरे ते 12 फुट उची कंध टप के समुद्र के किनारे ते पहुँच गई। ते फिर फ्रैंक मॉरिस ने अपना कैसोटीना कढ़िया ते हुण उसका असली काम सी, जिस करके फ्रैंक ने उही साज खास तौर पर सिख्या क्योंकि वह हवा भर के बजदा सी। तां उन्होंने इसकी मदद नाल अपनी रेनकोट वाली छोटी किश्ती विच हवा भरी ते तीनों उस विच बैठ के उत्थों निकल गए। ते दूजे पासे एलन भी अपनी खिड़की हटा के छत ते पहुँच गया सी ते उत्थे उसनू एक लाइफ जैकट ते एक चप्पू मिलिया जो एलन लई छड्या होया सी। पर हुण एलन नू बहुत देर हो गई सी क्योंकि उसदे तिन्ने साथी किश्ती विच बैठ के समुंदर विच गायब हो गए। इस तों बाद एलन चुपचाप वापस अपने सैल विच वापस आ गया ते अगले दिन की कुछ होया वो तुहानू दस ही दित्ता है। एलन तों पूरा प्लैन सुन के जेल अथॉरिटी हैरान हो गई कि किवें इस बारे किसी नू पता तक नहीं चलिया। फिर उन्होंने अपने खोजी बेड़े समुंदर विच भेज दिते ते उस टापू का हर एक कोना देखिया ते हैलीकॉप्टर राही समुंदर विच खोजिया गया। जदों पुलिस नू कुछ ना मिलिया उन्होंने FBI नू इस विच शामिल कर लिया। FBI भी ये प्लैन सुन के हैरान हो गई। उन्होंने एलन तो पुछया कि उन्हां दा जेल विचों भज्जण तो बाद दा की प्लैन सी। तां एलन ने दस्सिया कि इत्थों निकलण तो बाद उन्होंने एंजल टापू ते जाना सी जो कि इत्थों 3 किलोमीटर दूर है ते उत्थों शहर विच एंटर करके एक कार चोरी करदे ते कुछ कपड़े चोरी करके इस देश नू छड्ड के भज जाना सी। इस तों बाद FBI ने पूरा एंजल टापू छाण दिता पर उन्हां नू कोई सबूत ना मिलिया। ते उसे दिन ये खबर पूरे अमेरिका विच फैल गई कि जिस जेल नू इन्ना सिक्योर मन्या जांदा सी उत्थों 3 कैदी किवें भज गए। यह खबर हुण उस जेल दे अधिकारियां लई बड़ी शर्म वाली गल सी। फिर FBI नू 14 जून 1962 नू एंजल टापू दे कोल ही समुंदर उत्ते तैरदा होया एक बैग मिलिया जो जेल वाले रेनकोट नाल ही बनिया होया सी। उस विच एंगलिन ब्रदर दे परिवार दीआं 88 फोटोआं ते कुछ कागज जिन्हां ते कुछ एड्रैस लिखे हुए सी ओह मिले ते अगले 10 दिनां विच समुंदर दे वख-वख थावां तों तिन्ने लाइफ जैकटां भी मिल गईआं। पर FBI नू ना ही ओह कैदी मिले ते ना ही उन्हां दीआं लाशां ते ना ही ओह बोट मिली। ते दूजे पासे इस घटना तों 9 महीने बाद अल्कट्राज जेल नू बंद करना पिया क्योंकि इस जेल दा बाकी जेलां दे मुकाबले 3 गुणा ज़्यादा खर्चा आउंदा सी ते नाल दी नाल होर चीज़ां उत्थे पहुँचाउण दा जिवें बिजली खाणा पीणा ते होर जरूरी वस्तां दा भी। ते समुंदर दे खारे पानी ते हवा ने इस जेल दी हालत थोड़ी खस्ता कर दित्ती सी। इस करके US सरकार ने इस जेल उत्ते खर्चा करन तों चंगा इस नूं बंद करना ही समझिया ते 21 मार्च 1963 नूं अल्कट्राज जेल नूं पूरी तरह बंद कर दिता गया ते बाकी दे कैदी उत्थों US दीआं वख-वख जेलां विच शिफ्ट कर दित्ते गए। इस केस तों 17 साल बाद 31 दिसंबर 1979 नूं FBI ने हार मान ली ते इह कहिंदे होए केस बंद कर दिता कि उस दिन जेल तो भज्जण समें ही उन्हां दी मौत हो गई क्योंकि जो उन्होंने बोट बनाई सी वह इन्नी मजबूत नहीं सी जो समुद्र दीआं लहरां नूं सहार सके। ते जिवें कि एलन ने दस्सिया सी कि इत्थों बाहर निकल के सब तो पहला उन्होंने कार ते कपड़े चोरी करने सी पर उस रात किते भी कोई चोरी नहीं हुई ते FBI ने US मार्शल नूं इह केस सौंप के अपने रिकॉर्ड विच इह केस बिल्कुल बंद कर दिता। पर FBI दे इस बयान उत्ते किसी ने भी यकीन नहीं किया ते उन्हां उत्ते काफ़ी सवाल भी उठते रहे क्योंकि इस तों बाद कुछ ना कुछ सबूत दुनिया के सामने आउंदे रहे जिस करके इह सवाल FBI दे इस जवाब ते मिर्च लाउण दा काम करदे रहे ते कोई भी मन्नण नूं तैयार नहीं सी कि उस रात उन्हां तिन्नां दी मौत हो गई होवेगी। सो हुण उस रात तों बाद उन्हां दा की होया होवेगा इस नाल मिलदियां जुलदियां दो थ्योरियां सामने आईयां। नंबर एक, उस रात उन्हां तिन्नां ने भज्जण तों बाद बिल्कुल उस तरह कीता जिवें एलन ने FBI नूं दस्सिया। पहलां उह जेल तों एंजल टापू ते गए ते उत्थों शहर विच जाके गड्डी चुक के चले गए होणगे। हाँ, FBI ने जरूर कहा सी कि उस रात कोई गड्डी चोरी नहीं हुई। हो सकदा उह केस बंद करन लई उन्हां ने गल बनाई होवे पर नैट जीओ ते एक आई डाकूमेंटरी विच खुलासा होया कि इन्हां दे भज्जण तों एक दिन बाद 12 जून 1962 नूं मैरिन काउंटी विच एक रिपोर्ट लिखाई गई ते इह रिपोर्ट सी एक 1955 शेवरले कार दी। ते जो FBI ने कहा सी कि समुंदर नूं तैर के पार नहीं कीता जा सकता
FBI ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਉਸੀ ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੌਨ ਪਾਲ ਸਕਾਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਕਟ੍ਰਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੌਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕ ਤੇ ਐਂਗਲਨ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲਨ ਬ੍ਰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰ ਤੈਰਾਕ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 180 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬੋਟ 180 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕਟ੍ਰਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 180 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਐਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਬਰਟ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤੇ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਖੜੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਐਂਗਲਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜੌਨ ਐਂਗਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕ ਮੌਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਲੈਰੈਂਸ ਐਂਗਲਿਨ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦਾ DNA ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਕਟ੍ਰਾਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਏ 61 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ FBI ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ FBI ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ US ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ US ਮਾਰਸ਼ਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸ਼ੌਸ਼ੈਂਕ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ IMDB ਦੀ ਹਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ